हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू आवर न्यू टॉपिक। आज मैं आपको बताऊंगी फैक्ट्री एक्ट 1948 के बारे में, जो कि 1948 में बनाए गए थे। क्यों बनाए गए थे इनके बारे में मैं बताऊंगी, ठीक है। कुछ एक्ट्स के बारे में मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूं, पर इसमें मैं आज आपको ये बताऊंगी फैक्ट्री एक्ट क्यों बनाए गए थे, इनका ऑब्जेक्टिव क्या था, मेन मोटिव क्या था। 1948 से पहले क्या होता था कि कोई भी इंडस्ट्री में वर्क चल रहा है, वहाँ के एम्प्लॉयज़ को हार्म हो रहा है, तो कोई एक्शन नहीं लिया जाता था। अगर कोई एक्सीडेंट हुआ, ना ही उस पर ध्यान दिया जाता था। तो इससे क्या हो रहा था, जो इंसानों को चोट लग रही थी और इंडस्ट्री में होने वाले हार्म थे, उनको कोई रोक नहीं पा रहा था, ठीक है। फिर आए 1948 में कुछ एक्ट, जिनमें क्या बताया गया कि जहाँ भी जिस भी जगह पर पर्सन काम कर रहे हैं, 10 से ज़्यादा काम कर रहे हैं, 20 से ज़्यादा काम कर रहे हैं, 40 प्लस ऐसा हो रहा है, ठीक है, तो वो एक क्या होगी, इंडस्ट्री हो गई, ठीक है। कोई भी वर्क प्लेस है जहाँ इससे ज़्यादा 10 से ज़्यादा ऊपर पर्सन काम कर रहे हैं, वो एक फैक्ट्री है, ठीक है। अब उसमें क्या है, जो भी क्या है, रोज़ का काम हो रहा है, मैन्युफैक्चरिंग चल रही है, कोई भी वर्क हो रहा है, तो उसमें सेफ्टी कितनी इंपॉर्टेंट है, ये भी फैक्ट्री एक्ट में बताया गया था, ठीक है। तो इसमें ये बोला गया कि जो भी आप वर्क कर रहे हैं, उसमें होने वाले जो एक्सीडेंट्स हैं, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस अगर चल रही है तो होने वाले जो एक्सीडेंट्स हैं, उनके लिए आप क्या कर रहे हैं। तो इस तरीके से फैक्ट्री एक्ट ने बोला कि इस सेक्शन निकाले उनने कि इस सेक्शन के अंतर्गत आपको इस तरीके से रखना होगा, सेक्शन के अंतर्गत आपको जो भी होने वाले एक्सीडेंट्स हैं उनके बारे में इन्फॉर्म करना होगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें कब बनाई गई, 1948 में, ठीक है। तो डेफिनेशन ऑफ फैक्ट्री एक्ट, फैक्ट्री यही है कि जहाँ भी पर्सन काम कर रहे हैं, 40 प्लस पर्सन काम कर रहे हैं, एंड तो वो क्या है, एक फैक्ट्री चल रही है, ठीक है। अब वहाँ होने वाले जो हर रोज़ के एक्सीडेंट्स हैं, उनके बारे में आप क्या डिसीजन ले रहे हैं, ये सारी चीज़ें इस फैक्ट्री एक्ट में ये भी बताया गया था। हर सेक्शन के अकॉर्डिंग अगर कोई एक्सीडेंट होता है तो उनके लिए आपने क्या एक्शन लिया, वो पता होना चाहिए। अगर कोई एक्सीडेंट हुआ है या होने वाले डिसीज़ उस पर लगने वाला फ़ाइन पनिशमेंट पेबल को क्या रहेगा, वो सारी चीज़ें इस एक्ट में बनाई गई थी। तो ये एक्ट पूरा रिलेटेड फैक्ट्री से है, उनमें काम करने वाले एम्प्लॉयज़ से है, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ रूल बने थे, अगर एक्सीडेंट हो रहा है और किसी को चोट लग रही है तो उसमें आपको क्या, आपको पनिशमेंट हो सकती है। वैसे तो उसमें ये है सबसे पहले कि आप क्या कर रहे हैं, ऐसे होने वाले एक्सीडेंट से बचने के लिए आप क्या कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट उसमें ये बताया गया था कि आपके यहाँ कोई वर्क चल रहा है, उससे अगर एनवायरनमेंट हार्म हो रहा है तो भी आपको इसके लिए पनिशमेंट दी जाएगी। आपके यहाँ से होने वाले लीकेज जो हो रहे हैं गैस के, उनके लिए आप क्या कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें आपको बताई गई, ठीक है। साथ ही इमरजेंसी प्लानिंग वगैरह, ये सारी जो है फैक्ट्री एक्ट के दौरान बनाई गई, जिससे कि होने वाली जो इमरजेंसी हैं उन पर ठीक से वर्क कर पाएँ, इसीलिए ये सारे रूल्स निकाले गए थे। तो पहला इंडिया में फैक्ट्री एक्ट जो निकाला गया था, जो बिल पास हुआ था, वो 1881 में हुआ था, ठीक है। उसमें ये था कि मोर देन 100 पीपल्स अगर वर्क कर रहे हैं तो वो उसके लिए बिल था। पर इससे पहले, इसके बाद क्या हुआ कि 1891 में दोबारा से एक रूल पास हुआ जिसमें एम्प्लॉयज़ की संख्या 50 कर दी गई, मोर देन 50, पहले 100 थी फिर 50 कर दी गई, ताकि ज़्यादा ध्यान दिया जा सके, ठीक है। तो इस तरीके से फैक्ट्री एक्ट अपने इंडिया आया, इस तरीके से बिल पास हुए और अलग अलग चीज़ें हुई, ठीक है। 1948 में वो एक्ट बने, फिर दोबारा बिल पास हुआ अपने इंडिया में। तो ये ऑल ओवर इसमें यही था कि जो फैक्ट्री में वर्क चल रहा है वो सावधानी से हो सके, उनमें कोई एक्सीडेंट्स ना होने पाए, उनसे रिलेटेड कोई भी ऐसी प्रॉब्लम जो सिचुएशन है वो फेस ना करनी पड़े, ठीक है। तो फैक्ट्री एक्ट 1948 जो है वो इसी के लिए बेसिकली बना था कि कोई भी अगर काम चल रहा है तो वहाँ सेफ्टी पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दिया जाए। अगर सेफ्टी पर ध्यान दिया जाएगा तो क्या होगा, एक्सीडेंट्स जो हो रहे हैं उन्हें हम रोक सकते हैं, और अगर हम एक्सीडेंट्स रोक लेंगे तो बहुत हद तक हमारे यहाँ के जो एक्सीडेंट हो रहे हैं उनको अगर हमने रोक लिया तो होने वाले हार्म्स जो हैं उनको हम टैकल कर पाएंगे। इसी तरीके से इसका हेल्थ सेफ्टी पर पूरा पूरा ध्यान दिया गया कि हेल्थ और सेफ्टी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, हेल्थ से रिलेटेड सेफ्टी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मेंटेन करना, क्योंकि कहीं भी आप काम कर रहे हैं तो वो उनकी जिम्मेदारी हो जाती है कि अगर आप हमारे यहाँ काम कर रहे हैं तो आप सुरक्षित रहें, और अगर वहाँ के होने वाले एक्सीडेंट से आपको कोई हार्म होता है तो ये अच्छी बात नहीं होती है। इसलिए कोई भी फैक्ट्री हो, वहाँ पर अगर वर्क चल रहा है तो आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप वहाँ पर सेफ्टी मेंटेन रखें, हेल्थ सेफ्टी, इन्वायरमेंट सेफ्टी, सब तरीके की सेफ्टी होनी चाहिए, जिससे कि होने वाले एक्सीडेंट से किसी पर कोई हार्म ना हो।
ठीक है, तो इस तरीके से सेफ्टी ऑब्जेक्टिव्स भी है सामने आए, उसमें यही बताया गया कि जो वर्किंग कंडीशन है फैक्ट्री की वो और सुधर पाए। सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट किसकी, हेल्थ सेफ्टी वेलफेयर के लिए, जो भी वो प्रोवाइड कर सकते हैं सेफ्टी रखने के लिए वो हो पाए, और वर्किंग आर जो हैं एम्प्लॉयज़ के वो डिसाइड हो पाएँ, छुट्टियाँ कितनी रहेंगी, लीव्स पे वो कितना जा सकते हैं, ये सारी चीज़ें उनको मिल पाएँ। ठीक है, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट जो है वो सारी ये सारी फैसिलिटी पहले नहीं ले पाता था, इस वजह से ये एक्ट निकाले, और जब ये एक्ट आए तो इस तरीके की चीज़ें क्या हैं वो ले सकते हैं आप। जैसे उन्हें लीव मिलेगी टाइम पे, वर्किंग आवर उनका डिसाइडेड रहेगा, उनको हॉलीडेज़ कब कब दे मिल रहेंगी, ये सारी चीज़ें अब डिसाइडेड हैं। और पहले क्या होता था, वर्कर उसे काम करा रहे हैं, ओवर टाइम करा रहे हैं, इस तरीके से वो बीमार हो जाते थे, तो अब ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि ये सारे रूल्स 1948 में ही बन गए थे और अपने इंडिया में ही इम्प्लीमेंट हो गया था 1981 में, ये रूल बिल पास हो चुके थे। ठीक है, तो देखिए पूरा रिलेटेड जो है फैक्ट्री एक्ट वो बिल्कुल यही बता रहा है कि आपके होने वाले जो रोज़ रेगुलर एक्सीडेंट्स जो हो रहे हैं उन पे कैसे आप रोकथाम करें, अपने वर्किंग प्लेस के लिए, आपके वर्क प्लेस के लिए, वर्कर्स के लिए आप थोड़ा ज़्यादा एफर्ट्स डालें, जिससे कि आपका वर्क प्लेस भी सेफ रहे और होने वाले जो प्रॉफिट्स हैं वो आप गेन कर पाएँ। ऑल ओवर यही बताया गया है कि फैक्ट्री एक्ट जो है वो बहुत ज़्यादा नेसेसरी है हर वर्क प्लेस के लिए। ठीक है, तो ये फैक्ट्री एक्ट जो है इनके बारे में ये तो स्टार्टिंग है इस टॉपिक की, तो इसमें यही बताया गया है कि फैक्ट्री एक्ट के अंदर क्या क्या चीज़ें आई थी, तो यही आई थी, ये पूरा का पूरा रिलेटेड वर्कर से था और सेफ्टी से। ठीक है, कि वर्कर जो है वो कैसे सेफ रहे और वर्क प्लेस कैसे सेफ रहे। ठीक है, तो ये मैंने आज आपको फैक्ट्री एक्ट 1948 के बारे में बताया। इसमें आपको पता लगा होगा कि कब कब कौन सा क्या क्या इम्प्लीमेंट किया गया था, क्यों ये एक्ट आए, क्योंकि पहले उनको इतने सारे फेवर्स नहीं मिल पाते थे वर्कर्स को, उन्हें बस काम करना है लेबर्स की तरह, है ना, तो यही सारी चीज़ें देखते हुए ये एक्ट बनाए गए, और अभी जो वर्कर काम करते हैं वो प्रॉपरली अब होता है, उनसे एक्स्ट्रा काम भी नहीं कराया जाता, छुट्टियाँ भी मिलती हैं, वर्किंग आवर भी उनका देखा जाता है, सब कुछ वेल मेंटेन्ड है। ओके, सो थैंक यू।